रोटी नहीं खाएंगे, दरी नहीं बिछाएंगे, पतंग को जिताएंगे, ये हमारा नारा है। अब बात होगी हिस्सेदारी की, बात होगी जितना बहुल संख्या जो वंचित लोग है जिनकी बात नहीं की जा रही है। ये लोग ही कहते हैं कि बीजेपी की भी टीम है, तो अब ये शिवपाल कौन से भी टीम है ये बताइए जरा। दूसरी बात ये है कि भारत की जनता और मुसलमान जाग चुका है। जब जब मामला मोबलिन सिंह का आया तो ये समाजवादी और कांग्रेस और बसपा जो मुसलमानों का वोट 70 साल से लेते चले आए हैं, ये लोग खामोश थे। आज हम कहाँ जेल में है, 70 साल देने के बाद भी क्या इसलिए थे पार्टी में कि 5 साल में जेल काटूंगा? पहली बार तो पार्टी तैयार नहीं हुई है, अगर चाहते आंदोलन करके जमानत करवा सकते थे। दूसरी चीज वो भाईचारा था, भाई भाई बैठा है बराबर में, चारा बनाया गया आजम खान को। आजम कहती थी मुस्लिम केवल मुसलमानों की पार्टी है, इसीलिए पंडित मनमोहन झा को यहाँ पे हमने प्रत्याशी बनाया। 7 कैंडिडेट हमारे अभी तक नॉन मुस्लिम हो चुके हैं। ये केवल एक भाईचारा होकर स्टार्ट हो रहा है और एक तरीके की एक हवा चल रही है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा, साहिबाबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर बाद यहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आने वाले हैं और उन्हीं की तैयारियों में यहां पर मजलिस के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि किस तरह का मिजाज आज का यहां पर रहने वाला है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है मोहम्मद अजमल। क्या तैयारियाँ हैं आज की? माहौल पूरा पुख्ता है यहाँ पे और यहाँ की सीट हम निकालने जा रहे हैं और मनमोहन झा पंडित जी को हमने प्रत्याशी के रूप में उतारा है, जो बहुत ही कर्मठ जुझारू उम्मीदवार है। जमीनी स्तर पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो यहाँ के विषय है उनके हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या विषय है यहाँ के? सबसे बड़े विषय ये है कि जो हमारे जो विधायक है ऑलरेडी, जो सिटिंग MLA है, 5 साल में दिखाई नहीं दिए है। और यहाँ का सबसे चीज़ है जो रोड का विकास हो गया, रोजगार का विकास हो गया, ठीक है, और जो इकोनॉमी हमारी जो मतलब एक तरीके से गरीब जनता और पूर्वांचली और मुस्लिम समाज को जिस तरीके से पीछे धकेला जा रहा है, आज उसकी हिस्सेदारी पर हम वोट करने जा रहे हैं। हिस्सेदारी की लड़ाई है जी। समाजवादी पार्टी तो करिए, पार्टी उनकी आपकी है, फिर हिस्सेदारी काहे की चाहिए? सॉरी, आपका क्वेश्चन? समाजवादी वाले कहते हैं कि ये हमारी पार्टी है, हमारी सरकार बन रही है, तो हिस्सेदारी किस बात की? वे अखिलेश साहब की सरकार बन रही है, बहुत बड़ा वहम है और मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ है। और हमने गठबंधन की बात भी चलाई थी, जिस वजह से हमें गठबंधन में नहीं लिया गया, क्योंकि मुसलमानों की कायदात को कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए की जा रही है कि मुसलमान का कोई लीडरशिप तैयार ना हो जाए। इसीलिए मुजफ्फरनगर की आप बात कर लो, 6 की 6 विधानसभा की सीटों पर सारे कोई भी मुसलमान कैंडिडेट नहीं है, क्या उनमें कादिर राणा जैसे और आपके अमीर आलम जैसे और मौलाना जमील साहब जैसे, या आप वहाँ पे जो प्रत्याशी थे पिछली बार मोदी रहर में भी 193 वोटों से हाजी लियाकत कुरैशी जी हारे थे, क्या उनमें से एक भी मुस्लिम नेता नहीं था जो सीट निकाल के दे सकता था? तो इसका सीधा साधा नोटिस ये जा रहा है कि मुसलमानों को उभरता नहीं है। हाँ, ये आपकी दरिया बिछाएंगे, नूनी रोटी नहीं खाएंगे, दरी नहीं बिछाएंगे, पतंग जिताएंगे, इस बार नारा हमारा ये है। हाँ, नूनी रोटी नहीं खाएंगे, दरी नहीं बिछाएंगे, पतंग को जिताएंगे, ये हमारा नारा है। अब बात होगी हिस्सेदारी की, बात होगी जितना बहुल संख्या जो वंचित लोग है जिनकी बात नहीं की जा रही है, ठीक है। आप विकास की बात नहीं करते, अभी 300 यूनिट फ्री दे रहे, क्या उससे पहले सरकार में नहीं रहे? तब याद नहीं आया कि बिजली फ्री कर देनी चाहिए? अब अगर बीजेपी से खतरा दिख रहा है कि बीजेपी तो हमारा तीसरा चुनाव है इलेक्शन हारने को, अखिलेश जी का पूरी राजनीतिक करियर खत्म होने जा रहा है इस बार, ठीक है। अगर इस बार याद आया 300 यूनिट फ्री का लालच दे दो, 15 दिन में भुगतान दे देंगे, ठीक है। अरे बात कीजिए ना आप हिस्सेदारी की, मुसलमान को क्या दिया है आपने अभी तक के? मुसलमान को आपने क्या दिया है? कितने परसेंट है यादव जी? पारिवारिक लड़ाई चल रही है, मैं चाचा कहता है मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, भतीजा कहता है मैं बनूंगा, अभी तो उनकी लड़ाई सुलझ नहीं रही है, ठीक है। तो ये जो है ना आपस में ये गद्दी की लड़ाई है, विकास की लड़ाई नहीं है। जो लोग गद्दी का लालच करेंगे वो कभी विकास नहीं कर सकते। जो लोग ओवैसी साहब को कह रहे हैं ये बीजेपी की बी टीम है, तो अखिलेश जी से हम कहना चाह रहे हैं, कि आपके चाचा आपके बगल में रहते हैं, उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई हुई है, एक घर में दो दो पार्टियां हैं। अगर मुसलमानों का कोई रहनुमा आता है, कोई लीडरशिप अगर मजबूत होती है, तो ये लोग ही कहते हैं कि बीजेपी की भी टीम है। तो अब ये शिवपाल कौन से भी टीम है ये बताइए जरा। दूसरी बात ये है कि भारत की जनता और मुसलमान जाग चुका है। जब जब मामला मोबलिन सिंह का आया
तो ये समाजवादी और कांग्रेस और बसपा जो मुसलमानों का वोट 70 साल से लेते चले आए हैं, ये लोग खामोश थे। तो क्या बातें, क्या वजह थी? ये लोग ये चाहते थे कि हम अगर मुसलमानों का मुद्दा विकास का हो या मोबलिंचिंग का हो या NRC का हो या क्या नाम तुम्हारे की शरीयत में इंटरफेयर का हो, हम अगर मुसलमानों के मसले में बोलेंगे तो हमारा हिंदू वोट खिसक जाएगा। तो इनकी सोच देखिए कितनी गंदी सोच है इन लोगों की। रहा मसला बाबरी मस्जिद का, जब बाबरी मस्जिद का मसला आया और मंदिर का मसला आया, कोर्ट से फाइनल रिजल्ट निकला तो इन लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। क्या मुसलमानों की मस्जिद नहीं थी? वहाँ पे थी, हमने देखा, मस्जिद थी हमारी, हम नमाज पढ़ते थे, हमारे बाप दादा पढ़ते थे, हमने मंदिर नहीं देखा वहाँ पे। तो मसला कहने के ये हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इन लोगों ने सपा बसपा कांग्रेस ने हमारा वोट लिया, हमसे दरियाँ भिजवाई, हमें धक्के दिए गए, हमें ये समझा कि हम इनके मानसिक गुलाम हैं, हम इन्हीं को वोट करेंगे। अब हमारी लीडरशिप मजबूत हो चुकी है, हमारे पास एक ऐसा लीडर है, उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में किसी समाज के पास ऐसा लीडर नहीं है। भीमराव अंबेडकर आज अगर माने जाते हैं तो हमारी समाज ने भीमराव अंबेडकर साहब को पार्लियामेंट भिजवाया, समझे? तो हम लोगों ने कुर्बानी दी इस मुल्क के लिए, बचाने के लिए इस मुल्क को हमने उन लोगों को सत्ता में बैठाया जिनके 3-3% वोट थे, जिनके 7% वोट थे, हमारे 20% वोट होने के बावजूद हमने अपनी लीडरशिप को मजबूत नहीं किया था। आज हमारा वक्त है, हमारे अपने बच्चों का वक्त है, बच्चों का मुस्तकबिल के लिए हम अपनी लीडरशिप को मजबूत करेंगे और वैसी साहब के सपने को साकार करेंगे, हमने दूसरों के सपने बहुत साकार करेंगे। देखिए मेन मुद्दा मंदिर मस्जिद का नहीं है, मेन मुद्दा है रोजगार का। अगर हमारे घर में राशन नहीं होगा, हम सच्चे मन से हम पूजा तभी कर सकते हैं जब हम अंदर से खुश हो गए, जब परेशान हो गए तो हम पूजा नहीं। राम मंदिर बन गया, हम भी चाहते थे बने, ठीक है, लेकिन कम से कम ये मुद्दा तो खत्म हुआ। अब बात तो विकास की होगी, अब बात होगी विकास की। आप रोजगार कितना दोगे? आप मुसलमान की आदत को आरक्षण कितना दोगे? आप हर जगह यादव CO SO बैठा है, ठीक है, मुस्लिम का कहीं भी नाम नहीं है। 20% मुसलमान होने के बाद भी सबसे ज़्यादा मुस्लिम को पीछे किया जा रहा है, अल्पसंख्यक लोगों को पीछे किया जा रहा है, तो वो नहीं चलेगा। इस बार इतना जागरूक हो चुका है। अब जो हिस्सेदारी की बात करें, रही बात अखिलेश जी की, आज कहते हैं कि मुसलमान हमारे साथ है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। NRC का मुद्दा था, कोई ट्वीट नहीं था। NPR का मुद्दा था, कोई ट्वीट नहीं था। आज हम कहाँ जेल में हैं? 70 साल देने के बाद भी क्या इसलिए थे पार्टी में कि 5 साल में जेल काटूंगा? पहली बार तो पार्टी तैयार नहीं हुई है। अगर चाहते आंदोलन करके जमानत करवा सकते थे। दूसरी चीज, वो भाईचारा था, भाई बैठा है बराबर में, चारा बनाया गया आजम खान को। आजम खान के खुद सुपुत्र आए हैं बाहर, वो कह रहे कि पार्टी ने पूरा साथ दिया है, खामखां आरोप लगाया जा रहा है पार्टी ने। दूसरी चीज, आजम खान अब्दुल्ला साहब से मैं कहना चाहता हूँ, केवल रास्ता मत खेलो, थोड़ा निकल दे दो यार। केवल और केवल पार्टी के बारे में सोच रहे, मुसलमान कायदात के बारे में नहीं सोच रहे। मुसलमान के कायदात के बारे में सोचते आप बोलते अगले साहब मुसलमान को टिकट यहाँ से दीजिए, मुसलमान को पीछे न धकेला जाता, ठीक है। मैं किस लिए पार्टी आ जाए, आजम खान बाहर आ जाए, इस बार इलेक्शन उस चीज पे नहीं हो रहा है, उस चीज पे हो रहा है कि आप मुसलमान को किस तरह हिस्सेदारी देंगे, बहुजन समाज की हिस्सेदारी आप किस तरह दोगे, ठीक है, अल्पसंख्यक लोगों को किस तरह लेके साथ चलोगे। ऊंची जाते वाला खेल अब नहीं चलेगा, अब इतना जागरूक हो चुका है। अब मैं ग्रेजुएशन आप देख लीजिए बिहार में क्या हाल है। अब ये बताइए आप, UP चुनाव क्या राम मंदिर 2013 के बाद होगा? जो हो गया था गलती थी हमारी, हिंदू समाज की गलती थी, जाट समाज की गलती थी, हमने उस पर हाथ मिला लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बात जो होगी, अब जब भाईचारा वापस आ गया है तो आप क्यों नहीं बात कर रहे विकास की? हम विकास देंगे। घर में क्या 300 अगर बिजली फ्री कर दोगे, घर में क्या लाइट रहेगी? खाने को नहीं मिल रहा, खाने के लिए राशन नहीं चाहिए, रोजगार हमारे पास नहीं। हमारी 300 की इनकम थी 200 हो गई, सरसों का तेल 200 रुपये हो गया, 300 रुपये मैं कमाता हूँ, सरसों का कर दिया आपने 200, मोटरसाइकिल निकल के निकलता हूँ काम पे जाता हूँ, 110 का मुझे तेल भराना पड़ता है। घर में तो मैं 0 हूँ, पेट के लिए भाग रहा हूँ मैं अब हिस्सेदारी के। और वही चीज है, हमारे असद भाई सदर साहब हमारे आ रहे हैं उसी को संभालने के लिए, मुसलमान को बहुत समझ के वंचित के लिए, क्योंकि ये MIM पार्टी केवल मुसलमानों की पार्टी नहीं है, उन लोगों के लिए मुंह पे तमाचा है जो कहती थी मुस्लिमीन केवल मुसलमानों की पार्टी है। इसीलिए पंडित मनमोहन झा को यहाँ पे हमने प्रत्याशी बनाया, 7 कैंडिडेट हमारे
सात कैंडिडेट हमारे अभी तक नॉन मुस्लिम हो चुके हैं। ये केवल एक भाईचारा होकर स्टार्ट हो रहा है और एक तरीके की एक हवा चल रही है, एक हवा चल रही है। अब तक केवल डोर पकड़ने का काम है, पतंग आसमान छू रही है। वोट काट रही है, 200 सीट पे चंद्रशेखर लड़ रहा है, क्या बी टीम नहीं है? आपका आम आदमी लड़ रहा है 200 सीट पे, क्या बी टीम नहीं है? हमारी किस्मत में लिखा है कि वोट ही काट रहे हैं। अगर हम अगर क्योंकि मुसलमान लीडरशिप तैयार हो रही है, अल्पसंख्यक की आवाज लेने वाला अब असेंबली में पहुंचने वाला है मनमोहन झा के नाम के ऊपर। दूसरी चीज अब जो है ना, अब जो बी टीम हमें बता रहे, आप बता दीजिए एटीएम, मुलायम सिंह जी ने कहा था मोदी जी हम आपको दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, वो क्या था, वो क्या था? अभी मान ये मेरी बात पूरी करना था। अभी मुलायम सिंह ने कहा था मनमोहन जी नरेंद्र मोदी जी को मैं दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ। और मान भगवत जी से भी मिलकर है तो ये तू में क्या चल रहा है? ये ए प्लस बी का, ये ए प्लस बी मिलके ये गुमराह कर रही है जनता को। एक बोलता है 2013, एक बोलता है 300 यूनिट फ्री, ये बेवकूफ बना जा रहा है। कोई रोजगार के मुद्दे पर कोई यहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ रहा है। केवल उवैसी साहब है जो आवाज उठा रहे हैं, जो इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पे बात कर रहे हैं। आपकी लीडरशिप कैसे मजबूत होगी, अल्पसंख्यक लोगों को किस तरह मौका मिलेगा उस पर बात करना रहे। और देखिए ये माहौल है, ये माहौल है कि पतंग किस तरह उड़ने वाली है, देख लीजिए आप। मौत लगेगी।